सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन का चैप्टर है और ये बाइनरी ऑपरेशन से बहुत ज़्यादा आपको इसमें पैनिक नहीं होना है, बहुत कम मार्क्स का आता है जी, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना है बाइनरी ऑपरेशन का, ठीक है। ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है, आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले इसमें यहाँ पे ये चीज़ समझ लें, बाइनरी ऑपरेशन में आपको बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। ऑपरेशन यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का होगा, बाइनरी का मतलब आपका यहाँ पे टू होता है, ठीक है। ऑपरेशन का मतलब होगा आपका यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का होगा, ठीक है। इसको हम लोग इस स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है यार। इसका जो इसकी जगह में जो होगा ना मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, या तो प्लस आएगा आपका दिया हुआ रहेगा, या तो माइनस आएगा, या तो इनटू आएगा, या तो क्या आएगा आपका डिवाइड आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। और कुछ समझना है इसमें क्या, इसमें आपको जो है कुछ प्रॉपर्टी समझना है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी समझना है आपको, तब ये क्लियर हो पाएगा आपका। सबसे पहला इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, सबसे पहले वो चीज़ डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी डिस्कस करने के पहले आपको एक चीज़ आपको बताते हैं, कुछ सेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे एन अगर है, एन को हम लोग कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर डब्लू है तो डब्लू को कहेंगे हम लोग सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। ये सारा यूज होगा इसमें, सेट ऑफ होल नंबर एन हो गया। फिर हो गया क्यू अगर है तो इसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर यहाँ पे क्यू कम्प्लीमेंट है, यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर आर दिया हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर आपका सी दिया हुआ है तो इसको हम लोग समझेंगे सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको समझना है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है, आर हो गया, सी हो गया, उसके बाद जो है नेचुरल रियल हो गया, इसके बाद अगर जेड हो तो उसको हम लोग समझेंगे इंटीजर्स, ठीक है। जेड अगर हो तो उसको हम लोग समझेंगे इंटीजर्स, और अगर जेड प्लस हो तो उसको समझेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड माइनस इसका मतलब समझेंगे हम लोग नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये सारे कुछ मैथमेटिकल जो है, कुछ रियल नंबर्स का रूल होता है, ठीक है, वो बताते हैं जो मैथमेटिकल रूल है, ठीक है, जिसको हम लोग आज उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल रूल, ठीक है। एक्चुअली हम ये सारे चीज़ बता चुके हैं, मैथमेटिकल रूल सारा हम आपको ब्रीफ सिर्फ कर देते हैं, ठीक है। हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये डाल देंगे, इसका मैथमेटिकल रूल का सारा कॉन्सेप्ट हम डाल दिए हैं, तो इससे डोंट वरी, आपको उसके लिए टेंशन नहीं होना है, ठीक है। आप उस चीज़ को देखेंगे, आप देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा आपका। सबसे पहले जो है आ जाएगा यहाँ पे क्लोजर, क्लोजर लॉ, ये क्या आ जाएगा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो नंबर किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं अगर एस में अगर दो नंबर ए और बी है, तो अगर उसको हम लोग अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, ए टू बी करें, अगर वो एस में ही बिलोंग करें तो उसको हम लोग कहेंगे क्लोजर लॉ में होगा, ठीक है। इसकी जगह में ये जो स्टार की जगह में है, स्टार की जगह में कुछ भी हो सकता है, आप देख लें, या तो प्लस होगा, या तो माइनस होगा, या तो इनटू होगा, या तो डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजर लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में आपको पता होगा, एसोसिएटिव लॉ में आपका मान लेते हैं कि इसमें तीन नंबर दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ सेट में, और अगर ऐसा हो, ए अगर ऐसा निकालें हम लोग, अगर ये इक्वल हो जाए तो हम लोग समझेंगे कि वो जो है ये वो आपका वो जो पार्ट होगा वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सिमिलर वे से ऐसे ही है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये आपका आइडेंटिटी बहुत तरह का होता है, आपको बताया जाए, आपको ये सारा चीज़ बता चुके हैं हम, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स ये भी हम आपको बता चुके हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। एक आपका और होता है जो आपको बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तीन तरह का होता है, अंडर एडिशन होता है, अंडर एडिशन होता है, अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे अंडर एडिशन, और अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कहेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीज़ आपको प्रॉपर्टी को आपको थोड़ा, एक रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है, मान लेते हैं एक फोर दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग इसको निकालें, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, हम एक बताते हैं मात्र, अगर इसका एडिटिव आइडेंटिटी निकालें तो
तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम लोग को पता होना चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है क्या, इसमें कौन सा ऐसा चीज़ जोड़ेंगे जो रियल नंबर से बिलोंग करे, जो सेम नंबर आ जाए। तो आपको पता होगा एडिटिव आइडेंटिटी, अगर जीरो ऐड करेंगे तो जीरो, जीरो प्लस फोर क्या होगा, फोर होगा, जीरो भी क्या है आपका रियल नंबर, इसलिए आपका एडिटिव आइडेंटिटी इसका क्या होगा, जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि दो दो नंबर को जोड़ें, कौन सा ऐसा नंबर को जोड़ें कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए। तो मान लेते हैं ये फोर है, इसमें अगर माइनस फोर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और माइनस फोर भी क्या है, रियल नंबर, इसका मतलब ये इसका एडिटिव इनवर्स कितना हुआ, माइनस फोर। तो ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी ये उसमें हो गया, और एडिटिव इनवर्स इसका जो हो गया इसमें कौन सा हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये सारे आप लोग समझेंगे, ये इसका एडिटिव आइडेंटिटी, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कौन सा ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें ये सारा सेम नंबर आए। ठीक है, ये नंबर सेम आ जाए, ये चीज़ आपको समझना है। जैसे मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे इसको वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो आ जाए, ये वन जो होगा इसका मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मल्टीप्लिटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिटिव इनवर्स का मतलब होता है आपको कौन सा ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें रियल नंबर से कि इसका जो वैल्यू क्या हो, वन हो जाए। तो आप देखें फोर इंटू वन बाई फोर इक्वल्स टू वन हो जाएगा, ये वन बाई फोर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये भी इसका मल्टीप्लिटिव इनवर्स होगा। ठीक है, तो आप समझेंगे रियल नंबर का हमेशा जो होगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिटिव इनवर्स, सारा कुछ ये आपको चैप्टर बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो है इसमें जो आपका पार्ट है ये कंपोजिशन टेबल का, वो भी आप डिस्कस कर देंगे क्वेश्चन बताने के बाद। एक्सरसाइज थ्री, ये देखिए क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं इस तरह का क्वेश्चन का डिस्कस, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता हुआ हम बताते हैं। तो क्वेश्चन आपको जैसे कि ये दिया हुआ, ठीक है, एक आपको हम यहाँ दे देते हैं ए इक्वल्स टू एट दिया हुआ है। कैसे क्वेश्चन पूछता वो बता रहा है, अभी एक्सरसाइज नहीं बता रहा, कुछ क्वेश्चन बता रहा है। ए इक्वल्स टू एट दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू आपको दिया है फोर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप निकालिए, क्या निकालिए, ए मतलब ए स्टार बी मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन में, ये आपको निकालना है। और ऐसा निकालना है इसका वैल्यू दिया हुआ है ए बी प्लस ए माइनस वन, ये निकालना है। आप समझेंगे कैसे निकलेगा, या आप समझ लें आप इसका मतलब। देखिए आप, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको समझेंगे क्या होगा। ए की जगह कितना दिया, देखिए आठ है, उसको लिखेंगे एट। बी की जगह कितना आपका देखें फोर है, फोर लिखेंगे। तो आप इसको सॉल्व करेंगे क्या इसका वैल्यू आएगा, आपको देखेंगे आप। ठीक है, इसका देखिए ए का वैल्यू कितना, ये आपका वैल्यू दिया हुआ ए बाइनरी ऑपरेशन का, ये है आपका ए बी प्लस ए माइनस वन। यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए की जगह क्या पुट करेंगे आप एट, और बी की जगह क्या पुट करेंगे फोर। तो जहाँ जहाँ एट है इसको, जहाँ जहाँ ये सारे हैं उसको पुट करेंगे, ए की जगह में आपका एट होगा इंटू फोर होगा प्लस ए का वैल्यू कितना है एट है माइनस वन है, एट फोर जाए कितना होगा थर्टी टू प्लस एट माइनस वन, तो ये होगा फोर्टी माइनस वन, तो कितना हो गया इसका आंसर थर्टी नाइन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर आपको, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे इस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका ऑब्जेक्टिव में दो मार्क्स या एक मार्क्स में आपका क्वेश्चन भी पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस और कर देते हैं आपको, जैसे कि सपोज, उसके बाद हम रूल के ऊपर बढ़ेंगे। तो इसमें क्वेश्चन है एक पहला, जैसे कि सपोज दैट आपको यहाँ लिख दिया है ए इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका सिक्स दिया हुआ है, बी इक्वल्स टू आपका फाइव दिया हुआ है, सी इक्वल्स टू कितना है थ्री है। ठीक है, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपका सबसे पहला पहला इसमें निकालना है फाइंड। फाइंड क्या क्या करना है उसको हम लिख देते हैं नंबर में। सबसे पहले जो फाइंड करना है इसमें क्या, ये ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होगा आपका ए बी सी प्लस फोर, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ए स्टार बी इक्वल्स टू, सॉरी ए स्टार बी स्टार सी बोले इसको, ठीक है स्टार सी बोलते हैं, या ऐसा लिख दें इसको ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी प्लस सी को हटा देते हैं। ठीक है, ए स्टार बी इक्वल्स टू यहाँ पे होगा एल सी एम ऑफ ए बी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये चीज़ दिया हुआ है तो आपको लिख देते हैं ए सी है, तो इसको ऐसा लिख देते हैं एस एस सी एफ ऑफ ए और सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको यस कुछ हम डिस्कस कर देते हैं इसमें, जैसे ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या है आपका ए बी बाई
टू प्लस फाइव, ठीक है। नेक्स्ट जो है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू जो है वो कितना है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ए स्टार बी इक्वल्स टू दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है ए बी स्टार सी इक्वल्स टू बी स्टार सी इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका बी माइनस सी, ठीक है। आप इसको देखेंगे बना के क्या आएगा, आप देखेंगे इसको यहाँ पे बी है आपका, ठीक है, वन बाई वन करके आप इसको बनाएंगे और इसमें देखेंगे क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन को, जैसे पहला आपका ये दिया हुआ है ए इक्वल्स टू सिक्स है, बी इक्वल्स टू फाइव है, सी इक्वल टू थ्री है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन जो है आप पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ इसका मीनिंग में ए बी प्लस फोर, साई का वैल्यू बैठा रहे हैं यहाँ पे होगा सिक्स इंटू फाइव प्लस फोर, तो सिक्स फाइव या थर्टी प्लस फोर इक्वल्स टू क्या होगा थर्टी फोर, पहला का आंसर थर्टी फोर होगा। नंबर दूसरा का देखें क्या है ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या है, इसका मतलब एल सी एम ऑफ ए और बी, इसका एल सी एम क्या होगा बताइए, ए बी का एल सी एम कितना है सिक्स और फाइव, सिक्स फाइव का एल सी एम पता होगा आपको कितना होगा थर्टी होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर थर्ड आपका है क्या है ए स्टार सी इक्वल्स टू क्या है आपका एस सी एफ ऑफ ए सी है, तो आप इसको देखेंगे एस सी एफ इसका किसका कितना होगा, ए और सी का एस सी एफ पता होगा आपको थ्री और सिक्स का एस सी एफ क्या होगा टू होगा, इस तरह करके सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या है आपका ए बी बाई टू प्लस फाइव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ए बी का वैल्यू कितना है सिक्स इंटू फाइव, सिक्स इंटू फाइव बाई टू प्लस फाइव है, तो आप इसको क्या करेंगे इसको कटाएंगे थ्री थ्री फाइव या फिफ्टीन ट्वेंटी होगा, तो सारा इस तरह करके आप क्वेश्चन को टेन दिया हुआ बी इक्वल्स टू आपका फिफ्टीन दिया हुआ सी इक्वल्स टू आपका ट्वेंटी दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है नंबर वन, ठीक फाइंड करना है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी, पहला ये है। दूसरा ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या करना है एल सी एम ऑफ ए बी, तीसरा जो है बी स्टार सी जो करना है एल सी एम ऑफ बी सी, नेक्स्ट जो है ए ए स्टार बी इक्वल्स टू जो करना है वो एस क्या करना है एस सी एफ ऑफ ए बी, नेक्स्ट जो है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा आपका ए बी माइनस बी सी माइनस सी होगा, ये सारे किस तरह का क्वेश्चन आप बनाएंगे आप देखेंगे प्रैक्टिस करके ये सारे क्वेश्चन आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। ये सारे इस तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे बना के, ओके थैंक यू।